हमारे देश को आजाद कराने में सैकड़ों महापुरुषों ने अपनी जान दे दी। जगह जगह उनके सम्मान में मूर्ति बनाकर सम्मान किया जाता रहा, पर तखतपुर जनपद पंचायत के बांधा ग्राम पंचायत में कई युग पुरुषों की मूर्तियों का अपमान होता देखा जा सकता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, इनकी मूर्ति बरसों से पहले बांधा ग्राम में रखी है, जो कि जीर्ण शीर्ण हालत में है। आज तक इस मूर्ति का विस्थापन कहीं भी नहीं किया गया। मीडिया द्वारा पूर्व में भी इस पर आवाज उठाई, इसके बाद भी आज भी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की मूर्ति बांधा गांव में खुले आसमान के नीचे है। यही हाल हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति का भी है। महात्मा गांधी की मूर्ति भी गंदगी भरे माहौल में रखी गई। पास में ही हमारे संविधान निर्माता युग पुरुष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की भी मूर्ति जीर्ण शीर्ण हालत में रखी है। किसी को कोई परवाह नहीं, जबकि इन्हीं मूर्तियों के अपमान के चलते देश भर में कई जगह लड़ाई झगड़े और दंगे हो चुके हैं। बांदा के मुख्य मार्ग पर इन मूर्तियों को गंदगी भरे माहौल में देखा जा सकता है। आसपास में लोग कचरा भी फेंक देते हैं, पर जनप्रतिनिधियों को इससे कोई सरोकार नहीं, न ही ग्राम पंचायत के ग्रामीणों को। युग पुरुषों का यदि अपमान देखना हो तो तखतपुर के ग्राम पंचायत बांधा में आकर अपनी आंखों से देखा जा सकता है। समय आ गया कि लोगों को अब इन युग पुरुषों के बलिदान का एहसास हो। जीते जी तो लोग इनके लिए कुछ नहीं कर सके, मृत्यु के बाद अब इनका अपमान होना धैर्य की परीक्षा का अंतिम चरण प्रतीत होता है। मूर्तियों के पास जाने से ऐसा लगता है मानो ये युग पुरुषों की मूर्तियां इंसाफ मांगते हुए कह रही हो कि शासन जनप्रतिनिधियों का ध्यान कब हम पर जाएगा। ग्राम पंचायत के सरपंच ने अपनी मजबूरी का बखान करते हुए बताया, मूर्तियों के रखरखाव के लिए हमारे पास कोई फंड नहीं है, जिसके चलते चाहते हुए भी हम मूर्तियों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। अगर जनप्रतिनिधि और शासन ध्यान दे तो मूर्तियों का रखरखाव अच्छी तरह से हो सकता है। ग्राम मेरा नाम है खम्भन सोनवानी, ग्राम पंचायत बांधा का अभी वर्तमान सरपंच हूँ मैं। अच्छा, मैं तो याद नहीं है मेरे को जो इंदिरा गांधी का जो मूर्ति है, महात्मा गांधी का है, जो भीमराव बाबा अम्बेडकर का मूर्ति है, ये बहुत पहले का रखाया है। इसमें बहुत गंदा स्थिति है। तो मैं बोलना चाहता हूँ, जो सरकारी राशि अगर दो चार पैसा मिल जाता है इसमें, तो इसमें उसका जगह का उद्धार हो जाता है अच्छे तरीक़े से। इसमें गार्डन वगैरह बन जाता, बोर वोर हो जाता, बच्चों के लिए खिलौना हो जाता। बांधा से ये गांधी चौक का गंदगी है, ये सफाई उफाई के लिए सरकार कुछ राशि देती थी। सरपंच भैया हमारे उनके ये साफ़ सुथरा सब कुछ करवाऊँ कहते, गंदगी बहुत है, झूला उला लग जाती, बच्चा मन बढ़िया खेलती, गार्डन में झूला उला भी लग जाती, फूल फुलवारी लग जाती, जगह बड़ा अच्छा है, लेकिन ये गंदगी की वजह से है। कारण चाहे जो भी हो, पर इस ग्राम पंचायत में हमारे ऐतिहासिक युग पुरुषों का अपमान होता नजर आता है। जिनके भरोसे पूरे देश का संविधान चल रहा है, उनकी प्रतिमा के ये हाल आखिर कब तक बर्दाश्त किया जा सकता है। मुंगेली जिला ब्यूरो, शील पाठक की रिपोर्ट।